आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि शिवराज सिंह सरकार द्वारा जो तेंदुपत्ता बीनने वाले आदिवासी हैं, करीबन 10 लाख आदिवासियों को जो चप्पल जूते भेंट किए गए हैं, उपहार स्वरूप भेंट किए गए हैं, उनमें वो केमिकल है जो कैंसर, उनके शरीर में कैंसर के लक्षण दे सकता है, कैंसर दे सकता है। इसको लेकर आदिवासी राजनीति उबल पड़ी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया, आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश महामंत्री हैं। डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट देखी है, सीधा सा केंद्रीय चर्म संस्थान कह रहा है कि इसमें कैंसर की संभावना है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है कि शिवराज सिंह चौहान पहले गलती भी करते हैं और अपनी गलती भी नहीं मानते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा वो आदिवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं। ये पूरा इनका षड्यंत्र है और इसमें धीरे धीरे ये शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी आदिवासियों को मारना चाहते हैं। पहले सिलिकोसिस की मार पर से इनको मारा जा रहा था, अब धीरे धीरे कैंसर के माध्यम से मारना चाहते हैं। और सीधी सीधे ये मेरे को आश्चर्य होता है, जो केंद्र संस्थान है, जो राष्ट्रीय चर्म रोग जो संस्थान है, उसकी रिपोर्ट आती है जो कि इनकी सरकार है, केंद्रीय सरकार इनकी है। या तो शिवराज सिंह खुद माफी मांगे या फिर मोदी को खुद माफी मांगना चाहिए, पर हम आदिवासियों की जानों के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब चूंकि ये चीज सामने है और जो कंपनी है जिसने सप्लाई किया उसने कह दिया कि वो इन जूते चप्पलों को वापस नहीं लेगी, अब आदिवासी विकास परिषद क्या कदम उठाएगी? सीधे सीधे हमने ये सबसे आह्वान करा है, हर एक वो आदिवासी जो खून से आदिवासी है, कि अगर अपने भाई मर रहे हैं तो उनके लिए आगे आना चाहिए। और हम इसमें पूरे प्रदेश में एक मुहिम चालू करने वाले हैं, इसमें हर एक वो तेंदुपत्ता संग्राहक के पास हम जाएंगे जिसको ये चप्पल जूते बांटे गए हैं, और उसके पास जाकर उससे चप्पल जूते लेने के बाद उनको डब्बे में बंद कर इस मुख्यमंत्री के घर पर भिजवाएंगे, ताकि इनको भी पता लगे कि जान का जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो आदिवासी के साथ आप करोगे तो आपकी भी जान सुरक्षित नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली चीज ये है कि अगर इस तरह के जो कैंसर के जो केमिकल रहते हैं ये अगर शरीर के संपर्क में आते हैं तो कैंसर कब होगा ये किसी को भी नहीं मालूम है। एक दिन हो सकता है, कई महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, तो अब उनकी जान की जवाबदारी कौन लेगा? और मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पहले तो माफी मांगे और जितनी भी चप्पलें दी गई हैं वो चप्पलों को वापस बुलाया जाए, और हर एक आदिवासी जो उसके संपर्क में आए उसका परीक्षण होना चाहिए। मेरी सलाह तो शिवराज सिंह चौहान को खुद को भी है कि उन्होंने भी चप्पल को छुआ था, वो अपनी भी जांच करा लें। और ये चीज है कि वो तो दिल्ली जाकर अपनी जांच करवा लेंगे, पर वो जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, जो गरीब आदिवासी है, उसकी जांच कौन करेगा? और ये अगर नहीं होता है तो बहुत उग्र पूरे प्रदेश में आंदोलन भी करा जाएगा। अच्छा, आंदोलन की बात है, लेकिन क्या आदिवासी विकास परिषद सड़कों पर उतरने के अलावा क्या कोई लीगल एक्शन लेगा? हमने अपने जो लॉयर हैं उनसे भी हमारी बात शुरू हो गई है, और इसमें पूरी सरकार पूरे कटघरे में खड़ी होती है, क्योंकि ये पूरा जो खेल खेला गया है सिर्फ सस्ती चप्पलों के चक्कर में खेला गया है, ना इसमें किसी तरह की स्क्रीनिंग हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर इसलिए उठता है क्योंकि इतना बड़ा जब सप्लाई वो कर रहे थे उसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? पहले जांच होना चाहिए थी फिर सप्लाई होना चाहिए, या तो सप्लाई हो गया उसके बाद जांच करने की बात करी गई, और वो जांच हुई और जब जांच की रिपोर्ट आई अब सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है और ये बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसमें उनको कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे और इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो 10 लाख आदिवासियों को ऐसी चप्पल बांटना अब शिवराज सिंह चौहान के लिए जी का जंजाल बन गया है। आदिवासी विकास परिषद इसको मुद्दा बनाने की तैयारी में है, सियासी साल है, चुनावी साल है, निश्चित तौर पर एक मुद्दा बनेगा। आप देखते रहिए झाबुआ लाइव।